सो वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी। और मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने ये पफ और ये हाई पॉइंटर बनाया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिया है मैंने एक रबर बैंड, दो टिकटॉक क्लिप जो कि हार्ट शेप में है, ये मेरी फेवरेट टिकटॉक क्लिप है, और एक जेपी क्लिप लिया है जिससे कि बहुत अच्छे से हेयर टाइट हो जाता है। और एक कॉम की हेल्प से अब मैं अपने फ्रेंड के हेयर को अच्छे से कॉम कर ले रही हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ मैं किस तरीके से पफ करती हूँ और किस तरीके से पॉइंटर करती हूँ फॉर एवरी डे, क्योंकि एवरी डे बहुत बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हम लोग हेयर स्टाइल नहीं करते हैं, नॉर्मल कैजुअली हेयर स्टाइल करते हैं। सो मैं ऐसा हेयर स्टाइल करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था दी आप कैसे एवरी डे हेयर स्टाइल करते हो, मुझे ज़रूर दिखाई, तो मैक्सिमम मैं ऐसा ही करती हूँ, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। और पफ बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये मेरा तरीका है, और जितने भी तरीके हैं मैं वो भी दिखा दूंगी। सो यहाँ पर मैं कॉम्ब की हेल्प से अच्छे से फ्रंट के हेयर को कॉम्ब कर लिया और बैक में करके थोड़ा सा ट्विस्ट करके सामने की तरफ पुश किया और टिकटॉक क्लिप लगा दिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और टिकटॉक क्लिप लगाने के बावजूद आपको जेपी का क्लिप लगाना पड़ेगा जिससे कि बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है। और अब अगर मैं पॉनिटेल बनाऊंगी तो जो सामने की जो फ्रंट के पफ है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, और मेरी जो पॉनिटेल है वो ऑटोमेटिकली हाई इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइट थोड़ा सा टाइट पॉइंटल करती हूँ, और मेरे थोड़ा सा टैंगल पड़ गए हैं, मेरे टैंगल बहुत पड़ते हैं वैसे। जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर मैं पॉइंटल करती हूँ, क्योंकि लास्टली वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, इसलिए मैं जितना हाई होता है उतना हाई पॉइंटल करती हूँ। और हाई पॉइंटल जितना ऊपर आप करोगे उतना ज़्यादा बाउंसी हेयर लगता है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये देखिए मेरे थोड़े से बाउंसी हेयर लग रहे हैं। और इस तरह तरीके से आपको रबर बैंड लगाना है जिससे आपको आपको हर्ट भी ना हो और आपके जो स्कैल्प से जड़े होती है वो कमज़ोर ना हो। सो इस तरीके से मैं एवरीडे हेयर स्टाइल करती हूँ, मुझे ये बहुत ही इजी लगता है। अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन उसे भी हिट कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय।